आदाब नमस्ते सस्त्रियाकाल नाजरीन, इस्तकबाल पब्लिक टीवी न्यूज़ में हाईलाइन स्पेशल हलीम। बकरी के मांस, गेहूं, शुद्ध घी, मसाले आदि से बनाया गया है। ना केवल स्ट्रेंथ, विग्रो और वैलिडिटी, जिंदगी की शक्ति के लिए हाइजेनिक स्थिति के तहत बनाया गया है। और मटन मंडी, फिश मंडी, चिकन मंडी भी मिलते हैं। प्रोप्राइटर मिस्टर मोहम्मद सलमान खान, हाईलाइन रेस्टोरेंट, हाईलाइन सर्कल, किंग कोटी, हैदराबाद। आदाब नमस्ते सत श्री अकाल नाजरीन, मैं गीता शुक्ला, खैर मकदम है पब्लिक टीवी न्यूज़ में। शिया कम्युनिटी के लीडर सैयद मुस्तफ़ा अली निजाफी ने तेलंगाना गवर्नमेंट से 20वें रमज़ान दावत इफ्तार पार्टी को रद्द करने की गुजारिश की। अस्सलाम वालेकुम याली मदद, मैं सैयद मुस्तफ़ा अली निजाफी, सेक्रेटरी फातिमा सेवदर सोसाइटी। मैं एक शिया मुस्लिम कौम से ताल्लुकात रखता हूँ। अभी मुझे ये इतला मिली है कि हम शिया कौम को कि तेलंगाना गवर्नमेंट, केसीआर की गवर्नमेंट 20 रमज़ान के दिन दावत इफ्तार करना कर रही है, बल्कि हमें इतला मिली है। हमें बहुत अफसोस हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये मालूम होना चाहिए कि 20 रमज़ान का दिन कौन सा दिन है। 19 रमज़ान, 20 रमज़ान, 21 रमज़ान शिया कौम के लिए गम का दिन है। क्योंकि मैं आपको बताते चलूँ कि इस दिन का वाक़या है क्या। ये दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, आपके चचाजाद भाई शहजादी फातिमा जहरा सलामुल्लाह के शौहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैदर कर्रा शेर खुदा की शहादत का दिन है। तो हम शिया कौम इस दिन 19 रमज़ान, 20 रमज़ान, 21 रमज़ान को एक गम का दिन मनाती है। हमारे घर में चूल्हा नहीं सुलगता है, इस दिन बहुत गम मनाया जाता है। ये हुकूमत को मालूम होना चाहिए। हमें बहुत तकलीफ़ हुई ये सुन के कि 20 रमज़ान के दिन दावत इफ्तार मनाया जा रहा है। और हम यही सोचे कि हम अपने वीडियो के ज़रिए तेलंगाना गवर्नमेंट को ये बताते चले। अगर गवर्नमेंट को पता नहीं है कि ये बहुत गम का दिन है, तो ये वीडियो के थ्रू इनको पता होना चाहिए कि हम बता रहे हैं कि इस दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। तो हमें दावत इफ्तार की से कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तारीख से प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि हम शिया कौम पूरी कम्युनिटी ये चाहती है कि, और हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 20 रमज़ान के बदले कोई भी 21 रमज़ान के बाद दावत इफ्तार किया जाए, क्योंकि वो 20 रमज़ान के दिन हमारे शिया उलमा भी उसमें इफ्तार में मौजूद रहते हैं। आपकी पार्टी, आप जो इफ्तार पार्टी करते हैं उसमें मौजूद रहते हैं, तो हमारे शिया उलमा उसमें मौजूद नहीं हो सकेंगे अगर 20 रमज़ान के दिन होएगा। और ये गम का दिन है, क्योंकि इसीलिए हम चाहते हैं कि 19, 20, 21 रमज़ान को छोड़ के ये आगे बढ़ा दिया जाए, बस इसका डेट एक्सटेंड किया जाए। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं। याली मदद, खुदा हाफिज़।